ये मिनिस्टर साहब इन हालात में एक अच्छा बजट तो दिया है आपने, लेकिन 12 भाई अगर अगली गाल सुनो नहीं और यार गाल तो सुनो ना गाल तो सुनो ना हॉल में जवाब तो बात तो करने दे। और इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा बजट है। राणा साहब बात करें, राणा साहब बात करें। अर्ज ये है ताड़ी बाज मारे आज ये तय कर रहे हैं इस मुल्क में नहीं नहीं खड़ा मैं नहीं होता 12,000 ये है ताड़ी बाज मारे आज ये तय कर रहे हैं इस मुल्क में नहीं नहीं खड़ा मैं नहीं होता 12,000 अरब की लीकेजेस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा नंबर वन और 12,000 अरब की नॉट इनके पास एजेंसी ने रिपोर्ट भी दी होगी आपके इंतहाई लेफ्ट साइड पे बैठे हुए हैं भोसाल साहब किसान भी हैं ब्यूरोक्रेट भी हैं अच्छा। आपने पिछली ब्रीफिंग में कहा था कि प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर ने बड़े अच्छे काम किए हैं उन्होंने कौन सा कोई एक अच्छा काम किया है क्या अगली दफा किसान गंदम ना पैदा करें ये अच्छा काम किया है जहां तक आपका ये बात है अच्छा जी सॉरी जी तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो मैंने बात ही वहाँ से शुरू की थी कि ये जो लीकेज है और लीकेज में देखें कई सिलसिले चल रहे हैं और उसमें हम मैंने शायद उस दिन भी गालबन बात की थी कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल हमारे सामने हैं कि ट्रैक एंड ट्रेस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट कि तीन साढ़े तीन साल पहले ये इसको रोल आउट किया गया था और मकसद इसका ये था कि तंबाकू से शुरू होगा फिर शुगर में जाएगा फिर सीमेंट में जाएगा फिर फर्टिलाइज़र में जाएगा और फिर बतदरीज अदर सेक्टर्स में जाएगा लेकिन कुछ भी आप समझ लें कि फंक्शनैलिटी में इशू था डिज़ाइन में इशू था इम्प्लीमेंटेशन में इशू था कि अगर आपने एक सीमेंट प्लांट पे 5-6 उसकी लाइनें हैं एक पे लगा के आपने कह दिया कि जी इम्प्लीमेंटेशन हो गई उसकी वजह से जो अपसाइड आनी चाहिए थी रेवेन्यू पे वो नहीं आई तो आपकी बात दुरुस्त है मैं एक बड़ी स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ वरना ये 1.2 ट्रिलियन का या जो भी नंबर है वो बिल्कुल 10,000 फीट के पे रह जाता है इस किस्म के कई एग्जांपल्स हैं इसी तरह ये जो पॉस मशीनों पे हम शुरू किए थे कि रिटेलर्स में जाएंगे वो भी बीच में चीज़ रह गई सो दे आर नंबर ऑफ थिंग्स जिस तरह अब सेल्स टैक्स है सेल्स टैक्स पे जो है उसमें बहुत बड़ी लीकेज है ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने प्लग करनी हैं और इसमें मैं बार बार इसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि जितना हम इसको डिजिटाइज़ करते जाएंगे और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सेल्स टैक्स वाला है ये अब हमारी प्रायोरिटी है कि हम इसको एंड टू एंड प्रोसेस जो है इसको डिजिटाइज़ करें इसी तरह जो इस वक्त भी हमारे पास मौके मौजूद हैं ये मैं वो कह रहा हूँ कि जो ऐसी बात नहीं है कि हमने अगले 2 सालों में करने हैं 3 सालों में करने हैं ये डेटा आज हमारे पास मौजूद है मैं पहले भी ये कह चुका हूँ ये डेटा मौजूद है कि मैं मेरे पास कितनी कारें हैं मैं कितने बिजली के बिल देता हूँ मैं कितने फॉरेन ट्रेवल करता हूँ सो मेरा लाइफस्टाइल का सारा डेटा हमारे पास मौजूद है और मैं टैक्स कितना देता हूँ अब हमने करना ये है कि ये जो रॉ डेटा है ये उठा के हमने फील्ड फॉर्मेशन को नहीं भेजना क्योंकि फील्ड फॉर्मेशन में आप बैठे हैं आप हो सकता है बड़ी उसको डिलीजेंटली फॉलो करें मैं बैठा हूं हो सकता है मैं उसके यू नो कहते रद्दी के कूड़ में डाल दूं तो ये अब हमने करना है कि इस डेटा एनालिटिक की एक छोटी सी टीम बनानी है यही बच्चे और बच्चियां जिनकी बात की गई है वेरी टैलेंटेड यंग मैन एंड वेमेन हु आर अवेलेबल ये डेटा एनालिटिक्स टीम बने यही ये डेटा को इसकी वेरासिटी चेक करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो बात आती है कि हम जाके हरासमेंट करते हैं और चीज़ें हैं ज़रूरी है कि जो मुझे अगर नोटिस आना है तो उसका डेटा बिल्कुल ठीक हो और फिर सेंट्रली ये नोटिस आए मुझे उसके बाद हम फील्ड फॉर्मेशन को सिर्फ कहें कि जाकर आप एग्जीक्यूशन करवाएं इनके साथ तो ये कुछ वो चीज़ें हैं जिसमें आपकी जो बात है वो बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है जी ऐड कर दूं राणा साहब ऑन अ लाइटर नोट क्योंकि काफ़ी माहौल यहाँ पे टेंस शुरू में हो गया था गुजारिश ये है कि लीकेजेस को किस तरह से प्लग करना है उसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने आपको भरपूर उसके बारे में बताया कि किस तरह से डिजिटाइज किया जा रहा है इसके अलावा आज वज़ीर आज़म साहब ने 2 घंटे वो जो डिजिटाइजेशन की पूरी एक्सरसाइज चल रही है उसको किस तरह से एम्बेड करना है इनके इदारे के अंदर ताकि ह्यूमन डिस्क्रेशन ख़त्म हो जाए
और एंड टू एंड जब तक वो पैसा अकाउंट में नहीं आ जाता उसको पूरा विजिबल एंड ट्रेसेबल रखा जाए, इसके ऊपर काम हो रहा है। पर जो आपने शुरू में अच्छे बजट की बात की, मैं उसके ऊपर कहना चाह रहा था। नहीं नहीं, मैं मेरी अर्ज मैंने तो कहा लाइट नोट पर, बात यह है कि इससे काम एक मिनट दे दें। अगर कहते हैं मैं खामोश हो जाता, मुझे कोई तरह नहीं। चलिए सर, मैं नहीं, उन्होंने राणा साहब वो नहीं चाहते मैं जवाब दूं। ठीक है राणा साहब, सर कल आप करें जी। मैं नहीं, एक तो आपने टैक्स किया हमें सैलरीड क्लास को, और लेकिन सीजीटी आपने कोई उसमें चेंज नहीं किया, स्टॉक मार्केट का पैसा तो वहाँ पे है, कैपिटल गेन टैक्स आप वहाँ पे कुछ करते तो पता चलता कि जी आपने कोई अपनी क्लास को भी हाथ लगाया है। दूसरी बात ये है कि आपने टैक्स टू जीडीपी 10% की बात की है। चले हम तो स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमी है, सब लोग कहेंगे कि ठीक है जी, मुल्क को ठीक होना चाहिए, बट उसके कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं गवर्नमेंट की। उन ऑब्लिगेशंस में कोई प्रोजेक्शन नज़र नहीं आ रही आपकी, ना हेल्थ सेक्टर में, ना पीने के पानी में, ना आपकी किसी और जगह पे, किसी भी जगह में किसी सेक्टर को देख लें। तो ये नेग्लिजेंस नहीं है कि आप एक तरफ तो टैक्स टू जीडीपी 10% आप कहने हमने करना है, पीछे वेलफेयर भी कुछ चीज़ होती है, कुछ और चीज़ें भी जो इसके साथ लिंक्ड है, इंटरनेशनल जो बजट टैक्सेशन के। और सर ईओबीआई की भी पेंशन बढ़ी है जो मुलाजमीन है ईओबीआई, क्यों जी पेंशनर्स, क्यों जी? नहीं वो बता रहे कि जी वो ऑटोनोमस इदारा है तो वो अपना जो है उसको खुद उसके बारे में डिसीजन करेंगे। हाँ बताएं 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 बताएं, लेकिन जैसे वो कह रहे हैं मुख्तसर रखें ताकि सवाल बिल्कुल ठीक है, जैसे दोस्तों की ख्वाहिश होगी उसके मुताबिक करेंगे। सीजीटी के जो आपने बात की है ना सर, देखें जो बंदा शेयर खरीदता है ना, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेड इनकम है तो अपनी इनकम पे पहले टैक्स दे चुका हुआ है, एक अर्ज ये सुन लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि आप सीजीटी के ऊपर जो पहले उसकी टाइम के साथ जो उसकी लिंकेज थी ना, उसको ख़त्म करके 15% कर दिया गया है, तो उसका भी जो रेवेन्यू इंपैक्ट आएगा वो भी देख लें। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि अगर आपने वो ब्लैक आमदनी के थ्रू टैक्स से वो शेयर ख़रीदे हुए हैं और आप नॉन फाइलर हैं तो उसका भी कितना रेट है वो भी आप देख लीजिएगा। तो गुजारिश ये है कि एफर्ट सारी चीज़ों के ऊपर हुई है ताकि हम जिस हद तक किसी एक तबके के ऊपर टैक्सेशन की इंसिडेंस घटा सकें वो कर सकें, तो ये बिल्कुल एफर्ट हुई है। और ये तीनों चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा बजट में। सर दिस इज शकील अहमद फ्रॉम समट। देखिए टैक्स टू जीडीपी तो 10% पे तो नहीं हम रोक सकते, ये तो हमने और आगे जाना है। आपकी बात मुनासिब है और दुरुस्त है कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें हेल्थ एजुकेशन बाकी चीज़ें जो हैं उसको हमें सही तरीके पर ले जाने की ज़रूरत है। उसके लिए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि फिस्कल स्पेस जब तक नहीं होगी तो ये हमारा जो एलोकेशंस है वो सब ऑप्टिमल रहेंगी, लेकिन मैं बात सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे जैसे फिस्कल स्पेस अवेलेबल होती जाएगी हमें इन सेक्टर्स को और मजबूत करना है।